सो गाइस अभी टेंट के अंदर आ गए हैं वापस। बहुत लाइक फिर से चढ़ना पड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना तकलीफ भी नहीं था। ये देखो यहाँ पे चने, अभी चने वाने खाएंगे एंड अभी कुछ कुक करते हैं। ये भाई अपना पानी लेने के जा रहे हैं, उसके बाद कुछ कुक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। आज ही कुकिंग चल रहा है अभी अपना यहाँ पे, अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। ये देखो प्याज व्याज काट लिया है और यहाँ पे बीन्स भी, थोड़ा सा बीन्स काटेंगे। और पीयूष भाई बना रहे अपना कुछ पुलाव वगैरह बना रहे, तो फटाफट बनाते हैं खाते हैं उसके बाद चलते हैं यहाँ से। डाल दे, थोड़ी देर बाद इसको अंदर रखना। तो भाई सुबह कुछ खा के नहीं गए थे, बस खाली मेल में मतलब बिस्कुट लिया था, थोड़ा सा बिस्कुट खाए थे 2-4। अभी अपने लिए हम बना रहे हैं भाई खिचड़ी, वेज बिरयानी बोलते हैं वैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको खिचड़ी। मसाला तैयार हो चुका है, राइस हमारे ये रहे, ये सब डालेंगे, ये मस्त वाली खिचड़ी बनाएंगे भाई और बढ़िया मज़े से खाएंगे। बीन्स भैया काट रहे हैं हमारे अमन भाई, तो बस बने रहना, आपको कुकिंग दिखाएंगे अब, ठीक है? ट्रैक तो आपने देख लिया, अब आपको कुकिंग दिखाएंगे। ये हमारी एक बार मुझे दिखाना। और ये देखो भाई कैसे हम खाना पका रहे हैं, हवा बहुत चल रही है, कैंप के अंदर भी नहीं सिक्योर ले जा सकते, क्योंकि भाई अगर कैंप के अंदर ले जाएंगे तो पानी वानी पूरा खिंच जाएगा, तो इसीलिए हम इसी तरीके से कुक कर रहे हैं ताकि हवा भी ना लगे और हमारा खाना भी अच्छे से पक जाए। हवा बहुत तेज़ आ रहा है ना, इसीलिए कुछ इस तरह से पकड़ रखा है। देखो आराम से भाई, आराम से, कहीं गिर ना जाए। सो गाइस ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, बाहर चलते हैं और इस शानदार से व्यू में ब्रेकफास्ट करके मज़ा लेते हैं। चलो आहा, ये देखो भाई अपना ब्रेकफास्ट, यहाँ पे देखो बैठने का काफ़ी मस्त जुगाड़ है, तो यहाँ पे चेयर वगैरह लोकल साथ, अभी यहाँ पे बैठकर ही ब्रेकफास्ट करेंगे भाई। देखो न्यूट्रेला, चना, मूंग दाल, मिर्च और भी बहुत कुछ इसमें, मज़ा आ रहा है। हवाएं काफ़ी तेज़ है, ये फुल एनर्जी देगा हमें ट्रैक करने के लिए, क्योंकि कल हमने कुछ खाया नहीं था और फुल ट्रैक हालत ख़राब हो गई थी रात को सही। सो गाइस टेंट वेंट पैक कर लिया, देखो बैग पैक हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस जखामा की ओर। और लास्ट टाइम आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं यहाँ का, काफ़ी तेज़ हवाएं आ रही है और इधर काफ़ी मस्त धूप भी आ चुका है एंड हवाएं काफ़ी तेज़ आ रही है यार, एंड बाकी सारे लोग भी निकल गए यहाँ के, तो चलो हम भी चलते हैं अब। चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, 12 बज चुके हैं दिन के, काफ़ी तेज़ हवाएं आ रही है, लेट्स गो चलते हैं यहाँ से। ये देखो कुछ ये है यहाँ का बेस कैंप, जहाँ पे आपको रहने का भी मिल जाएगा, डॉर्मेट्री वगैरह। बस आते समय ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया, रात को आए थे ना हम लोग यहाँ से, देखो कुछ ऐसे रास्तों से आए थे भाई, बहुत खतरनाक था। अभी जाके आपको वो व्यू पॉइंट दिखाएंगे, एक लाइक पास से टॉप सा, वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं आई थी, चल के दिखाते अभी कहाँ पे था वो। देखो रात को हम कैसे चढ़ाइया करके आए थे, लाइक रात को तो अंधेरा हो गया था ना, दिखा नहीं पाए थे, अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। अभी हम जा रहे हैं ना वापस, ये देखो सीधी खड़ी चढ़ाई है, देख सकते हो समझ सकते हो भाई आते समय क्या हाल रहा होगा। पीयूष भाई स्माइल चलो 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 चलो, देख रहे हो सीधी मतलब स्लोप है एकदम। और बस यहाँ का लाइक व्यू देखो यार, काफ़ी येलो काफ़ी मस्त लग रहे हैं भाई, रात को तो हम देख नहीं पाए थे ना, व्यू देखो आप लोग। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई इंसान नहीं है दूर दूर तक। यार कल तो लग रहा था कि हम दोबारा कभी नहीं आऊँगा, लेकिन अब तो फिर दोबारा आने का मन कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर है, और भाई इतना ख़तरनाक स्लोपिंग है ना यहाँ पे, तो सीधा रात को हम कैसे आ गए पता नहीं, देखो सीधा का सीधा नीचे दिख रहा है और सीढ़िया है, डायरेक्ट सीढ़िया, पैर फिसल गए ना तो सीधा नीचे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई।
बहुत संभाल के आना पड़ रहा है। एंड यहाँ भी देखो क्लीन अर्थ हैप्पी वाओ। लाइक चढ़ते समय जितना मेहनत लगता है ना, उतरते समय भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है पैरों पे, घुटनों पे बहुत ज़्यादा, रोकना पड़ता है खुद को, नहीं तो हम सीधा नीचे जा सकते हैं। चलो आप लोग बने रहो, अभी सीधा मिलते हैं आपसे ट्रैक ख़त्म होने के बाद रास्ते पे। तो भाई देखो फाइनली अभी एंडिंग पॉइंट पे पहुँचने वाले ही हैं, बस एक सीढ़ियाँ उतरनी है उसके बाद ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। ट्रैक से उतरते उतरते काफ़ी देर हो जाती है, शाम के 5 बज जाते हैं और आपको तो पता ही है नागालैंड में कितने जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर हम लिफ्ट लेकर चले जाते हैं माओ मणिपुर पे, जहाँ पे हमें मिलते हैं काइस भैया और वो हमें अपने घर पे लेकर जाते हैं और खिलाते पिलाते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा कल के वीडियो में। बने रहना, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।